असी सारे शहीद भगत सिंह दे जीवन बारे बहुत चंगी तरह जानते हाँ, पर साडे समाज का एक वड्डा वर्ग भगत सिंह दे जीवन दे एक महत्वपूर्ण पक्ष तो हाले तक अनजाण है। वह पक्ष है शहीद भगत सिंह दा किताबां नाल प्यार। साडे बहुत सारे इतिहासकारां अते चित्रकारां ने साडे सामने पिस्तौल वाला भगत सिंह पेश कीता है, जबकि शहीद भगत सिंह दा सब तो वड्डा हथियार सन पुस्तकां। उन्होंने जेल के दौरान भी दुनिया के महान लेखकों दी किताबां पढ़ियां अते उन्हां किताबां नूं पढ़ के उन्हां दे विच्चों कुछ महत्वपूर्ण नोट लए। ओह नोट जो कि उन्हां दी जेल डायरी के उपर दर्ज हन। असी उन्हां दी जेल डायरी के विच्चों कुछ महत्वपूर्ण नोटां दे उपर गल करांगे। शहीद भगत सिंह दे कई साथी अते इतिहासकार इस गल दी तस्दीक करदे हन कि शहीद भगत सिंह ने जेल विच अपनी जेल डायरी तो इलावा भी चार होर पुस्तकां लिखियां सन। पहली पुस्तक आत्मकथा, दूसरी पुस्तक समाजवाद का आदर्श, तीसरी पुस्तक भारत विच इनकलाबी संघर्ष, चौथी पुस्तक मौत के दरवाजे ते। पर बदकिस्मती नाल इन्हां दे खरड़े अज तक प्राप्त नहीं होए। हो सकता है अंग्रेजी साम्राज्य के लोगों ने भगत सिंह के विचारों तो डरदिया ये खरड़े नष्ट कर दिते हों, जा इसके कई होर कारण भी हो सकते हैं। पंजाब के महान लेखक पाश ने भगत सिंह बारे लिखा सी कि भगत सिंह दीयां तस्वीरां ते हार पाउण जां उसकी शहादत उपर कवितावां लिखण दा फायदा नहीं होवेगा। जरूरत है उसकी विचारधारा नूं समझण अते अगे वधाउण दी। जिस दिन उसनूं फांसी लगी सी उसकी कोठड़ी चों लैनिन दी किताब मिली सी जिसका एक पन्ना मोड़िया होया सी। पंजाब दी जवानी नूं उसके आखिरी दिन मोड़े हुए पन्ने तो अगांह तुरना चाहीदा है। सो आओ दोस्तों, अज असीं भगत सिंह दी जेल डायरी दे कुछ नोटां दे उपर विचार करिए। शहीद भगत सिंह द्वारा अपनी जेल डायरी विच नोट किया गया सब तो पहला नोट, प्यार मनुख की सब तो दिलचस्प अते मुआफ़ करन जो कमजोरी। यह नोट भगत सिंह ने इंग्लैंड के महान नावलकार चार्ल्स डिकिन्स के पलेठे नावल पिकविक पेपर्स विचों लिया है। चार्ल्स डिकिन्स बारे आम कहा जाता है कि समाज सुधार का जिन्ना काम चार्ल्स डिकिन्स के नावलों ने इंग्लैंड विच कीता उन्ना उस समय की मौजूदा सरकार भी ना कर सकी। अगला नोट, लोकां दी उदासीनता ही हरेक बुत नूं अपने थड़े तो लै जाण लई काफ़ी है अते मरियां दे जिउं उठण नूं तेज़ करन लई। इह विचार अमेरिकन पत्रकार विलियम लाइट गैरिसन दे हन। विलियम लाइट गैरिसन जो कि एक गुलामी विरोधी अखबार द लिबरेटर उदों तक छापते रहे जदों तक 1865 विच संविधानिक सोध द्वारा गुलामी नूं कानूनी तौर पर अमरीका विचों खत्म नहीं कर दिता गया। अगला विचार, नीतसे समझदा सी कि गुलाम नैतिकता गुलामां द्वारा ही घड़ी अते संसार उपर लागू की गई है। उन्होंने अपनी अधीनता नूं धर्म अते अपनी जरूरत नूं सदगुण बना लिया। यह नोट नोबल प्राइज़ विजेता इरिश नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दे मेजर बारबरा नाटक विचों लिया गया है। इस तो इलावा दो होर अमर रचनावां मैन एंड सुपरमैन अते पिंगमेलियन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखिया गई हैं। अगला नोट कि सब तो बड़ी बुराई अते सब तो बड़ा अपराध है गरीबी। साडा पहला फर्ज अजिहा फर्ज जिस तो होर सारे ख्याल कुर्बान कर देने चाहिए हैं, गरीब ना होना है। ये विचार भी बर्नार्ड शाह द्वारा मेजर बारबरा विच दिते गए हैं। अगला नोट, इरिश लेखक थॉमस मुरे दियां कवितावां दियां कुछ लाइनों के रूप में अंकित किया गया है। आजादी जिथे साडियां मुस्कुराहटां कदे नहीं हटनगियां, जाओ धाड़वियां नूं दस दिओ तुहाडी सूली ते एक युग खून बहाउणा मिठा है, जंजीरां विच एक पल सुत्ते जाण नालों। अगला नोट, अच्छी सरकार स्वै शासन का बदल कदे नहीं हो सकती,
यह विचार स्कॉटलैंड विच जन्मे अते यूके दे प्रधानमंत्री रहे हैनरी कैंपबेल द्वारा दिते गए हैं। अगला नोट, मैं धर्म नू डर तो पैदा हुई एक बीमारी दे रूप विच अते मानव जाति दे लई एक अकह दुख दे रूप विच मनदा हाँ। यह विचार यूके दे नोबल विजेता बर्टन रसल दे हैं। अगला विचार, मनुख ने समाज विच दाखला इसलिए नहीं लिया कि वह पहला तो भी भैड़ा हो जाए, सगों इसलिए कि उसके अधिकार पहला तो बेहतर ढंग नाल सुरक्षित हों। यह विचार ग्रेट ब्रिटेन के लेखक थॉमस पैन की चर्चित किताब राइट्स ऑफ मैन विचों लए गए हैं। इस विचार नूं असीं अज दे किसान विरोधी बिल नाल जोड़ के भी देख सकते हैं। अगला विचार, लोकां दे सिर कलम कर दिते जाण नूं तां असीं भयानक मनदे हाँ, पर सानू जीवन पर बरकरार रहन वाली मौत दी उस भयानकता नूं देखणा नहीं सिखाया गया जो गरीबी अते अत्याचार द्वारा सारी आबादी ते थोप दित्ती जांदी है। यह सत्रां अमरीकन साहित्य के पितामा कहे जाते मार्क ट्वेन दियां लिखतां विचों अंकित कीतियां गईआं हन। अगला विचार, शासक दे लई यही उचित है कि उसके शासन विच कोई भी व्यक्ति ठंड अते भुख तो पीड़ित ना होवे। आदमी दे कोल जदों जीन दे सधारण साधन नहीं रहिंदे तां उह अपने नैतिक पद्धर नूं बनाई रखण तों असमर्थ हो जांदा है। यह विचार जापान दे बोधी भिक्षु कोको होशी दे हन। यह शब्द सरकार दियां गलत नीतियां दे कारण साडे समाज दे इखलाकी म्यार डिगन वल संकेत करदे हन। अगला नोट, भरे पए हन शुद्ध अते निर्मल आवा दे रतन, संघने समुंदर दी अथाह डूंगी गहर विच खिड़दे हन बहुत फुल अणदेखे अते लुटा दिंदे हन अपनी सुगंध उजाड़ विच। यह विचार इंग्लैंड दे लेखक थॉमस करे दे हन। अगला नो, जदों तक कोई हेठला वर्ग है मैं उस विच ही हाँ, जदों तक कोई अपराधी तत् है मैं उसका ही हाँ, जदों तक कोई जेल विच है मैं आज़ाद नहीं हाँ। यह शब्द अमेरिकन समाज सुधारक यूजीन वी डेविस दे हन। अगला नोट, समाज हत्या व्यभिचार जां ठगी नूं नज़रअंदाज कर सकता है पर वह एक नवे सिद्धांत के प्रचार नूं कदे भी माफ़ नहीं करता। यह शब्द इंग्लिश लेखक फ्रैडरिक हैरिसन दे हन। अगले पन्ने उत्ते शहीद भगत सिंह द्वारा एक कविता दियां दो लाइनां अंकित कीतियां गईआं हन। तुझे जिबा करने की खुशी, मुझे मरने का शौक, मेरी भी मर्जी वही है जो मेरे शयात की है। अगला नोट, मनुख धर्म नूं घड़दा है, धर्म मनुख नूं नहीं घड़दा। यह विचार जर्मन दार्शनिक इतिहासकार मजदूरां दी बाइबल कही जाण वाली किताब दास कैपिटल अते कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो दे रचेता दे गए हन। अगला नोट, महान इसलिए महान है क्योंकि असी गोडियां भर हाँ, आओ उठ खड़े हो जाइए। अगला नोट, भावें यह सच होवे जां ना कि मनुख निरपक्ष पैदा होया अते पाप नाल भर गया, पर यह निश्चित रूप में सच है कि सरकार का जन्म धक्के तो अते धक्के दे नाल होया। यह सत्रां अंग्रेज दार्शनिक अते जीव विज्ञानिक हरवर्ड स्पेंसर दियां हन। अगला नोट, मैं एक मनुख हाँ अते मेरा उन्हां सारियां चीज़ां नाल सरोकार है जो मनुख जाति नूं प्रभावित करदियां हन। यह सत्रां एक रोमन नाटककार दियां हन। कानून मुजरिम करार दिंदा है उन्हां पुरशां जां तीवियां नूं जो चुराउंदे हन आम आदमियां दियां मुर्गियां, पर छड्ड दिंदा है उन्हां वड्डे अपराधियां नूं जो चोरी कर लैंदे हन मुर्गियां विच्चों आम आदमी। यह विचार अंग्रेज लेखक हैनरी मैन दे हन। इन्हां शब्दां नूं असीं अज दे समाज विच फैले भ्रिष्टाचार नाल जोड़ के देख सकते हाँ। अगला नोट, वह हमेशा ही भविख दे लई भूत खिलाफ लड़दे रहे। अगला नोट, ये भगत सिंह दे अपने शब्द हन।
जीवन का उद्देश मन नू काबू करना नहीं सगों उसका ठीक विकास करना है। मरण तो बाद मुक्ति प्राप्त करना नहीं सगों इस संसार विच ही उसका सब तो वधिया इस्तेमाल करना है। केवल ध्यान विच ही नहीं बल्कि रोजाना जीवन के यथार्थ अनुभव विच भी सच चंगयाई अते सुंदरता नू प्रतख करना है। समाजिक प्रगति किसी की उन्नति उपर नहीं सगों बहुतियां दी अमीरी ते निर्भर करती है। आत्मिक लोकतंत्र जां सर्वसांझा प्रपण केवल तद तक ही प्राप्त किया जा सकता है जे समाजिक राजनीतिक अते उद्योगिक जीवन विच मौकियां दी समानता होवे। अगला नोट, मनुख जन्म तो सुतंत्र हुंदा है पर हर थां बेड़ियां विच जकड़ दिता जांदा है। यह शब्द जनेवा दे दार्शनिक रूसो दे हन जिन्हों के राजनीतिक दर्शन ने पहला सारे यूरोप अते फिर सारे संसार नूं प्रभावित किया। अगले कुछ अंश बलदेव सिंह द्वारा शहीद भगत सिंह की लिखी गई जीवनी सतलुज वहिंदा रहा विचों हन। पहला विचार, कम्यूनिज़म का जन्मदाता मार्क्स इस ख्याल नूं पैदा करने वाला नहीं सी बल्कि यूरप दियां सनअती तब्दीलियां ने ही एक खास किस्म के विचारां वाले लोग पैदा किए जिन्हां विच्चों मार्क्स जमाने के चक्कर नूं एक खास आवाज़ च हरकत देन विच सहाई साबित होया। असीं भी इस देश च कम्यूनिज़म सोशलिज़म के ख्यालों नूं जन्म नहीं दिता बल्कि यह तां वक्त अते हालातां दा साडे उपर असर दा नतीजा है। अगे नौजवानों नूं संबोधन करते हुए शहीद भगत सिंह कहिंदे हन कि असी नौजवानों नूं बंब अते पिस्तौल चुकन की सलाह नहीं दे सकते, विद्यार्थियों के करन लई इस तों वड्डे कम हन। भाई रणधीर सिंह नाल होई वार्तालाप जो भगत सिंह नूं मैं नास्तिक क्यों हाँ लिखन ते मजबूर करती है, जदों वह कहिंदे हन कि रब सर्वव्यापी है ते कण कण विच है, उसकी मर्जी तो बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तां भगत सिंह कहिंदा है भाई साहब जीओ हिंदुस्तान उपर जे बरतानवी हुकूमत है तो यह रब की मर्जी कारण नहीं सगों इसका कारण है कि साडे विच इसका विरोध करन दी हिम्मत नहीं। वह रब की मर्जी नाल सानू गुलाम नहीं रख रहे सगों उन्होंने बंदूकां तोपां बंबां अते गोलियां नाल पुलिस की मदद दे नाल सानू गुलाम बनाया है। साडा कसूर की है, एक कौम हत्थों दूजी कौम लुट्टी जा रही है, कित्थे है आपदा रब कि वह मनुखता दियां इन्हां सारियां दुख तकलीफां दा मजा लै रहा है। जे एवें है तां वह नीरो है, वह चंगेज़ खान है, ऐसा रब मुर्दाबाद। शहीद भगत सिंह नूं ज्ञान की भुख किन्नी सी इस गल का अंदाजा इस घटना तो लगाया जा सकता है। फांसी की सज़ा के ऐलान तो अगले दिन प्राणनाथ मेहता नूं भगत सिंह का एक गुप्त संदेश मिलता है कि अंतम वसीयत के बहाने मैनू तुरंत मिलो पर लैनिन का जीवन चरित्र लिया ना भुलना। मेहता सोच रहा है कमाल का बंदा है, इन्ना लापरवाह, घड़ी दियां सूईयां फांसी के वक्त वल तेजी नाल वध रही हैं ते ए घड़ी लैनिन पढ़न नूं उतावला है, फांसी का फिक्र ही नहीं है, ये तो काल कोठड़ी विच इंज टहल रहा है जिमें किसी नाटक विच अभिनय की तैयारी कर रहा होवे। उधर जेलर खान भगत सिंह कोल आउंदा है, वह लैनिन की जीवनी पढ़ने विच मशरूफ है, मूँह नाल उसके कंधे उपर हथ रख के पुछता है कि की हो रहा है बरखुरदार। भगत सिंह हसदा है तो कहता है देख रहे हो खान बहादुर। खान हौली जिही दसदा है सरकार ने कल सवेरे 6 बजे की थां अज शाम दे 7 बजे फांसी दित्ते जाण दा फैसला किया है। भगत सिंह उसे लहजे विच पुछता है तां मैनूं इह किताब खत्म करन दी आग्या नहीं मिलेगी। उधर जेल तो बाहर इकट्ठी हुई भीड़ का रौला जेल दियां उच्चियां कंधां उलंघ के अंदर सुनाई दे रहा है। भगत सिंह पुस्तक पढ़ने विच मस्त है जदों जेल अधिकारी कहिंदा है सरदार जी फांसी लगन का हुक्म आया है, तैयार हो जाओ। ठहरो, अखां पुस्तक उपर ही गड्डी। भगत सिंह एक हथ खड़ा करके उसनू उच्ची आवाज़ विच रोकता है, एक इनकलाबी दूसरे इनकलाबी नू मिल रहा है ते ओ फिर पुस्तक पढ़न लगता है।
जेलर हैरान है, ज्ञान प्राप्त करन दी एक ही लालसा है, ना इसनू मौत दा डर है, ना अपनियां तों विछड़न दी उदासी है, एक केहा जनून है, मैं तां अजिहे नौजवान कदी नहीं देखे। कांड खत्म करके भगत सिंह किताब एक पासे रख के कहिंदा है, चलो मैं तैयार हाँ, ते उठ खड़दा है। इस तों इलावा होर बहुत महत्वपूर्ण लेखक जो शहीद भगत सिंह द्वारा जेल विच पढ़े गए, उन्हां दे नाम इस प्रकार हैं। जज बारलिंड सी, अपटन सिंकलेयर, गोल्डस्मिथ, फ्रेंडरिक एंगल्स, लुइस मॉर्गन, पैट्रिक हेनरी, रॉबर्ट जी इंगरसोल, हॉरिस ग्रीले, जॉन स्टुअर्ट मिल, मैक्सिम गोरकी, वॉल्ट विटमैन, हेनरिक इप्सन, चार्ल्स फूरियर, थॉमस जेफरसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड टेनिसन, लॉर्ड बायरन, चार्ल्स मैके, ऑगस्ट कॉम्टे, जैक लंडन, लियोन ट्राटस्की, विक्टर ह्यूगो, जॉन ऑस्टन, फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉक, स्पाइनोजा। सो जेकर असी शहीद भगत सिंह की विचारधारा असल तरीके समझना चाहते हाँ तो सानू शहीद भगत सिंह की जेल नोटबुक जरूर पढ़नी चाहिए है। धन्यवाद। कलमा।